आज की इस वीडियो में देखिए कि सनस्क्रीन लेते वक्त हम क्या क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें सनस्क्रीन का ज्यादा फायदा नहीं होता है. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, गर्मियों को इंजॉय कर रहे होंगे. और गर्मियां आते ही ना सूरज कितनी तेज तपिश होती है कि उससे हम बच सकते नहीं हैं, ना ही बचना चाहिए, क्योंकि सूरज हमें एनर्जी भी दे रहा होता है, हमें विटामिन डी भी मिल रही होती है सूरज से. और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है. विटामिन डी से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं हम, स्पेशली स्किन की जो है बहुत सारी बीमारियां उनसे बच जाते हैं, स्किन कैंसर से खुदा ना खास्ता जो खतरात होते हैं उनसे बच जाते हैं. तो सूरज तो लाइफ है. लेकिन सूरज की रोशनी के साथ जो है ना वो ख़तरनाक रेज भी हमें मतलब बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रही होती हैं. तो उससे बचने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. अब सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो गलतियां जो हम कर रहे होते हैं वो शेयर करूंगी ताकि हम वो ना करें और सनस्क्रीन का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि आप मेरी जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, आप उनको मिस ना करें. और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट ज़रूर किया करें. मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर. और मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा ताकि जब मैं वहाँ लाइव आऊँ तो वो मेरा लाइव सेशन आप मिस ना करें. तो अब मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत सारी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे होते हैं जो नहीं करनी चाहिए. क्योंकि आप अक्सर मुझे कहते हैं गज़ल अपना स्किन केयर रूटीन आप शेयर करें. मेरा स्किन केयर रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ. तो सनस्क्रीन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्किन केयर रूटीन. तो मैं आज वो पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सही सनस्क्रीन आपके लिए क्या है, कैसे चूज़ किया जाए, कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाए ताकि उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, सनस्क्रीन लेते वक्त सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसकी एक्सपायरी डेट कहीं गुजर तो नहीं गई या बहुत करीब तो नहीं है. क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन जो है अक्सर सेल पे रखे होते हैं और जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है, एक दो महीने बचती है, और वो हम समझते हैं कि बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, तो उसका असर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होता है. तो जब भी सनस्क्रीन खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें. दूसरी बात, सनस्क्रीन पर SPF लिखे होते हैं, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर. ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है कि जो SPF होता है इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि उस SPF को आप मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो जो आंसर आएगा उतनी मिनट्स तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, उतनी मिनट्स के बाद फिर आपको वो रीअप्लाई करना पड़ेगा. तो लेकिन मैं बहुत सारी इन चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई नहीं करती हूँ. मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करें 2.5 से 3 घंटे बाद उसका असर ख़त्म होने लगता है, तो आपको उसको रीअप्लाई करना है. अब बात यह है कि कौन सा सनस्क्रीन लेना चाहिए, SPF कितना होना चाहिए. जो सेफ़ साइड होता है ना वो ये होता है कि 30 SPF से ऊपर लेना चाहिए, एटलीस्ट 30 SPF. उससे कम जो होता है वो इतना ज़्यादा रेस से हमें बचा नहीं रहा होता है. तो 30 SPF से ऊपर सेफ होता है. और ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सनस्क्रीन जब लेते हैं ना आप तो पढ़ा ज़रूर करें उसको, उस पर क्या क्या लिखा होता है. उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि वो UVA और UVB दोनों से बचा रहा होता है हमें, बहुत और तरह की जो सन रेज जो ख़तरनाक होती हैं उनसे बचा रहा होता है. तो ये ज़रूर पढ़ा करें कि उस पर क्या लिखा हुआ है, UVA और UVB और ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, उसे बचाता है कि नहीं बचाता. साथ साथ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन लेना चाहिए. बहुत सारे सनस्क्रीन पर लिखा होता है नॉन ग्रीसी, जैसे मैं जो यूज़ करती हूँ वो नॉन ग्रीसी होता है. और मैं सेफ़ साइड पर, क्योंकि मेरा सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, समटाइम्स मैं गार्डनिंग कर रही होती हूँ, स्पोर्ट्स के लिए जा रही होती हूँ, धूप में साइकिलिंग कर रही होती हूँ, जो भी, तो मैं 50 से ऊपर सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. नॉर्मली 60 मुझे आइडियल लगता है अपने लिए सनस्क्रीन. और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ नॉन ग्रीसी, यानी कि मेरी स्किन गर्मियों में वैसे ही पसीना और बहुत ऑयली हो जाती है, तो मुझे ये लाइटर जो है वो बहुत, उस पर लिखा भी होता है कि अल्ट्रा लाइट है, किस तरह का है. तो अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो आपको बहुत आइडिया हो जाएगा. एक और बहुत बड़ी गलतफहमी मैं दूर करना चाह रही हूँ आज की इस वीडियो में कि दुनिया का कोई भी सनस्क्रीन हमें टैन होने से नहीं बचा सकता है. सन की जो ख़तरनाक रेज होती है ना उनके असरात से बचाता है, लेकिन टैन होने से नहीं बचाता. अच्छा, दूसरी और गलतफहमी मैं दूर करूँ कि सन स्क्रीन सिर्फ आउटडोर्स
में ही नहीं लगाया जाता, यानी घर से बाहर निकलते वक्त सन में एक्सपोजर है तो लगाना है। घर के अंदर भी सन की जो बहुत सारी रेज होती हैं वो आ जाती हैं रोशनी के साथ और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो UVA और UVB जो दो तरह की रेज होती हैं, UVB रेज जो है वो सुपरफिशियली हमें नुकसान पहुँचाती है, सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाएगी या स्पॉट्स हो जाते हैं सन के, इस तरह के। लेकिन जो UVA होती है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाती है स्किन के अंदर तक, फिर खुदा ना खासा सन कैंसर और बहुत सारी बीमारियों का होता है, खदशा होता है। और इसके अलावा प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं और फ्रैकल्स और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर, जो सन की जो रोशनी अंदर आती है उसके साथ ही वो रेज भी आ जाती हैं, तो घर के अंदर भी हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, हम चाहे कहीं भी हो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। और मैं क्या करती हूँ, सुबह उठते ही एज अ मॉइस्चराइज़र मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मुसीबत है, बाहर तो सनस्क्रीन चाहिए घर के अंदर भी चाहिए। देखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना अपना स्किन का ख्याल रखेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें जो जिसका मुझे फ़ायदा हुआ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वो कर रही हूँ आपके साथ, बहुत ऑनेस्टली। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि आपको घर के अंदर लगाना चाहिए तो लगाइएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उसका फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम कि हम जब सेलफोन यूज़ कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स, हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इनफैक्ट हम बल्ब्स चला रहे होते हैं, उन सब से रेडिएशंस निकलती हैं और हमें वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो सनस्क्रीन हमें उससे भी बचाता है। तो मैं सेफ साइड पे रहते हुए मैं सुबह एज अ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और हर 3 घंटे बाद उसको रीअप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन को। एक तो ये बात तय हो गई कि हर 2.5 से 3 घंटे बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना होता है। अब सनस्क्रीन को लगाना कैसे है, कितना लेना है, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। 1/2 टीस्पून जो है वो आप लें, मतलब सनस्क्रीन को बहुत कंजूसी से नहीं लगाते, ज़रा ऐसे लगाते हैं कि कवर हो जाए आपके। तो 1/2 टीस्पून आप लेकर हाथ पर बहुत अच्छी तरह से आप अपने फेस पर, अपने नेक पर, अपने हाथों पर, आर्म्स पर, पैरों पर, जो जो एरियाज़ आपके एक्सपोज हो रहे हैं उन सब पर लगाना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑयली लग रहा है सनस्क्रीन आपका, तो 5 से 7 मिनट उसको छोड़ दें लगा के, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। उसके बाद आप कोई सा भी टिश्यू पेपर लेके और हल्का सा टैप कर लें उसको, ताकि वो ऑयल उसमें से निकल जाए और वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि घर से जब निकलें तो कोशिश ये हो कि हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज ना हो, हम कवर करके निकलें। अगर कोई ऐसा शेड है, हैट कोई, तो वो पहन लें बाहर निकलते वक्त, बहुत सारे लोग निकलते हैं वॉक करते हैं तो वो पहन लेना चाहिए, कैप वगैरह जो होती हैं। इसके अलावा हमें जो है वो कोशिश करें कि अगर कहीं शेड मिल जाता है, बजाय कि डायरेक्ट सन की लाइट के नीचे आप खड़े हों, तो शेड के नीचे अगर मौका मिले तो वहाँ खड़े हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पे रहना चाहिए कि जहाँ से सन हमें डायरेक्टली हिट ना कर रहा हो। और इसके अलावा कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ब्रीदेबल कपड़े पहनने चाहिए, ताकि बार बार पसीना ना आए। जितना पसीना आएगा ज़ाहिर है वो सनस्क्रीन हमारा फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। सन ग्लासेस ज़रूर लगा लें। तो हमारी स्किन बहुत डेलिकेट होती है, आँखों की अराउंड जो होती है वो सन की हार्श जो ख़तरनाक रेज होती हैं उनसे बच जाती है और रिंकल्स से हम बच जाते हैं। दूसरा ये कि जब बाहर निकलेंगे तो आँखों को यूँ करते हैं ना, जो तो लाइंस बहुत जल्दी पड़ जाती है, मेरे जो क्रो फीट होता है। तो सन ग्लासेस हमें बहुत तरीक़ों से बचा रहा होता है। साथ ही अगर मुमकिन हो तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो पीक आवर्स होते हैं गर्मी के, उसमें आप घर में रहें, बाहर ना जाएं। अब सनस्क्रीन एक दफ़ा आप ले लेते हैं तो उसको कोशिश किया करें अपने ड्रॉ के अंदर रखा करें, डार्कर जगह पर रखा करें, रोशनी में ना रखा करें जहाँ उसको डायरेक्ट सनलाइट आए। अच्छा, अब मैं बहुत अच्छी आपको टिप दे रही हूँ कि कभी अगर आप सनस्क्रीन ना ले सकें या सनस्क्रीन ख़त्म हो जाता है, तो अगर एलोवेरा जेल है तो ये एक नेचुरल सनस्क्रीन है और बहुत ही बेस्ट सनस्क्रीन है। अच्छा, और एक और बात बताऊँ कि जो हमारे स्किन के अंदर जो मेलानिन होता है ना, जो हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइट या डार्क कर रहा होता है, तो जितना कोई लाइटर कॉम्प्लेक्शन होता है, जिसका जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, उसको और ज़्यादा ख्याल रखना होता है सूरज की ख़तरनाक रेज से बचने का। जो जितना डार्कर जिसका कॉम्प्लेक्शन होता है वो इतने ज़्यादा वनरेबल नहीं होते, लेकिन नुकसान उनका भी होता है, लेकिन फेयर कॉम्प्लेक्शन को ज़्यादा नुकसान होता है। तो गोरी गोरी लड़कियों, आप अपना ज़्यादा ख्याल रखो, सनस्क्रीन के बगैर ना जाओ कहीं भी। तो बहरा, ये सारी वो बातें थी जो मैं सोच रही थी आपके साथ शेयर करूं। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सनस्क्रीन के बारे में बताएं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वो सारी बात आपके साथ शेयर करूं। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी,
अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे साथ साथ गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा आप वहाँ लाइव सेशन मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ब्लैक ड्रेस को 20 डिफरेंट वे से किस तरह से पहना जा सकता है वो शेयर किया है, तो ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।